दोस्तों आज से शुरू हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच। और दोस्तों आज पहले ही टेस्ट मैच में बहुत बड़ी गलती हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस पहले टेस्ट मैच में घट गई बहुत बड़ी दुर्घटना। दोस्तों ये घटना इतनी खतरनाक थी कि दोनों ही देशों के खिलाड़ी इस चीज से काफी ही ज्यादा डर गए। इसके आगे किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से और जो कुछ भी हुआ वो ठीक हो जाए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक भारतीय टीम को सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज से शुरू हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच। दोस्तों ये टेस्ट मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही रोमांचक मैच है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो टेस्ट मैच हो रहा है इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। और दोस्तों ये ट्रॉफी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। दोस्तों इस मैच का टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरा दिन नहीं खेल पाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 176 रन के अंदर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों आज भारतीय गेंदबाजों ने काफी ही शानदार गेंदबाजी की, खासकर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बॉलिंग की है। रविंद्र जडेजा ने शानदार 5 विकेट लिए, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके, और जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 176 रन के अंदर ही ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों इस मैच में एक ऐसी घटना घट गई है जो सभी को काफी ज्यादा हैरान कर गया। दरअसल जब स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे कि वो गेंद सीधे विराट कोहली के पास जाती है, जिसके बाद विराट कोहली इस गेंद को पकड़ने जाते हैं और वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद विराट कोहली चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी काफी ज्यादा हैरान हो गए इस चीज से। लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स की टीम आती है और विराट कोहली को 5 मिनट के अंदर ही ठीक कर देती है। इसके बाद विराट कोहली फिर से फिट हो जाते हैं और मैच को फिर से खेलने लगते हैं।